दो दिन के करनाल दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल वासियों को करोड़ों रुपए की सौगात दी। सीएम ने पहले दिन टेनिस कोर्ट जैसी परियोजनाओं का उद्घाटन किया, तो वहीं दूसरे दिन सीएम ने सीवर, सड़कें आदि से जुड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम करनाल ने विकास के लिए को लेकर कई बातें कही। करनाल शहर की एक सीवरेज सकर मशीन, इसकी बहुत बड़ी एक आवश्यकता थी। अभी तक पानीपत के साथ तालमेल करके उस काम को चलाया जा रहा था, लेकिन अलग से यहाँ कॉरपोरेशन को एक सकर मशीन ये उपलब्ध कराई गई है, दो डंपर मशीनें भी ये उपलब्ध कराई गई है। साथ ही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स करनाल जिले में एक बहुत अच्छा स्थान यहाँ का है। 3900 के लगभग सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पहले से चल रहे हैं, उनके बहुत अच्छे कार्य को देखते हुए और एक वहाँ घरुंडा में ऐसी बहनों के लिए प्रशिक्षण का एक केंद्र ये खोला जाए, इसको मंजूर किया है। और ऋण के नाते से भी आज बैंकों के माध्यम से जिनको ऋण उपलब्ध कराए गए हैं, लगभग 16 करोड़ रुपए के उपलब्ध कराए गए हैं ऋण। ऐसे सब किसान आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के आंतरिक मामलों में किसी भी विदेशी ताकत को हस्तक्षेप सराहनीय है और किसी के बीच में आने की जरूरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नॉर्म्स हैं, उनका पालन करना जरूरी है। सीएम ने कहा कि सरकार आंदोलन खत्म करवाने के लिए मंथन कर रही है, जल्द समाधान होगा। हमारी अपनी एक सिस्टम है, डेमोक्रेसी है। हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में बाहर की विदेशी ताकतों को हस्तक्षेप करना ये अशोभनीय है। किसी भी देश के व्यक्ति को दूसरे देश के आंतरिक व्यवस्थाओं में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये इंटरनेशनल नॉर्म्स है, उसके भी अगेंस्ट है। इसलिए मैं इसको बिल्कुल भी, मैं एक प्रकार से इसकी निंदा भी करता हूँ कि ऐसे विदेशी ताकतों को हमारे किसी आंतरिक मामले में नहीं आना चाहिए। किसान हमारे हैं, देश हमारा है, मंडियां हमारी हैं, कानून हमारे हैं, संसद हमारी है। हम अपने आप बैठ करके सुलझा लेंगे, आपसी बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, उसी में से जो आवश्यक होगा उसको रखा जाएगा, जो आवश्यक नहीं होगा उसको छोड़ा जाएगा। चूँकि ये केंद्रीय कानून है, इसलिए केंद्र की टीम की ओर से ही जिनको अधिकृत किया जाएगा वही बातचीत में हिस्सा लेंगे। हमारे पहले दोनों मंत्री वो बातचीत में हिस्सा ले रहे थे, एग्रीकल्चर मंत्री थे और दूसरे हमारे पीयूष गोयल जो रेलवे मंत्री थे। अब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि मैं एक कॉल की दूरी पर हूँ, जब भी चाहे आके बातचीत कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ बातचीत का रास्ता खुलेगा। इसमें प्रदेश का कोई विषय ऐसा है नहीं है, और खुले मन से केंद्र सरकार हमारे विचार भी कर रही है। बहुत प्रकार के ऐसे विषय संशोधन करने के आए भी हैं, उनके ऊपर मैं समझता हूँ एक एक करके मामला हल होगा, ठीक होगा। पार्लियामेंट चल रही है और पार्लियामेंट में लगातार इन विषयों पर बहस भी चल रही है, मुझे लगता है उसमें से तो अगली बात